तुझे बात याद नहीं लगे याददाश्त कई तेरे सामने है कि ये मैंने वारदात कई तू है चालबाज भाई मैं था जालसाज नई स्टूडियो में मैं और तू थे कैसे भार बात कई। हे गाइस क्या हालचाल आपके गुड साइड है वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। सो भाई जी आज हम रिएक्शन करने वाले हैं भाई रफ्तार का गाना है पॉप जी और मुझे सुनने को आया भाई ने बड़े लोगों को डिस मारा ठीक है ना। सो ये बजाओ मूवी आ रही है जियो सिनेमा पे वहां पे जो वेब सीरीज है उसमें कोई गाना है भाई ठीक है ना। इसकी वीडियो वगैरह नहीं है शायद अगर हम देखेंगे वेब सीरीज में शायद उसमें इसकी वीडियो होगी बट अभी तो नहीं है। सो रफ्तार के फैंस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको ये रिएक्शन मेरा कैसा लगा और हिप हॉप रिएक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें भाई बहुत देर से लगाऊँ 5,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ सो प्लीज हेल्प करो। सो हम चेक करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। रफ्तार का भी म्यूजिक है भाई अजय सिंह का और सौरभ का और जैरविस का। अच्छा तेरे जैसे को झुकाता हूँ मैं डोजी में बब्बर 24/7 रहे मौजी में। बब्बर नहीं पता भाई के करेक्टर का नाम होगा वेब सीरीज में जो कि रैपर है बहुत तगड़े जैसे तेरे फुफड़ का फंसा तेरी भौजी में बेड़ा तुझे बात याद नहीं लगे याददाश्त गई तेरे सामने है कि ये मैंने वारदात कही। भाई ये होता है अगर आर्टिस्ट की आवाज में दम है और बीट अच्छी है ना तो गाना हिप हॉप हो तो भी बंदा ग्रूव कर सकता है भाई और स्टार के गानों में ग्रू करने का मजा लगे। बेड़ा तुझे बात याद नहीं लगे याददाश्त कई तेरे सामने है कि ये मैंने वारदात कही तू है चालबाज भाई मैं था जालसाज नई स्टूडियो में मैं और तू थे कैसे भार बात कही। क्या 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 भाई क्या 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 बेड़ा तुझे बात याद नहीं लगे याददाश्त कई। अच्छा तुझे बात याद नहीं है लगता जाता है तेरे सामने है कि ये मैंने वारदात कही। अच्छा तेरे सामने मैंने वारदात कई करे हैं ठीक है स्निच करा है तू है चालबाज भाई मैं था जालसाज नहीं तू चालबाज है मैं जालसाज नहीं स्टूडियो में मैं और तू थे कैसे भार किसको कह रहा है भाई कि स्टूडियो में तू और मैं थे मेरे कान तो ने किसको बता दिया ठीक है ना। बोल कैसे पड़ा छापा किसने कितना पैसा छापा जब मैं जेल में था बंद तूने मेरा लेखा ढापा जब मैं जेल में था बंद तूने मेरा लेखा ढापा ठापके बताया अपना तू टूंगिया थे तो बढ़िया रैप लिखे गोपी लोंगिया क्या ब्रो क्या गोपी लोंगिया इज नॉट ए गुड रैपर ब्रो क्योंकि उसने बोहिमिया को डिस करा ब्रो विदाउट एनी रीजन ठीक है ना। सो मैं एग्री नहीं करता भाई किसे चलो आगे चलते हैं। सबको पता तुझे मेरा बेटा तो मैं पॉप जी मेरा एक सर पंजा तब भी टॉप जी देखो शेर का खिलौना बना कॉर्की बंदा नकली घड़ी पे तेरी शॉप जी। सबको पता तुझे मेरा बेटा तो मैं पॉप जी मेरा एक सर पंजा तब भी टॉप जी देखो शेर का खिलौना बना कॉर्की बंदा नकली घड़ी पे तेरी शॉप जी। जी शॉक तो लगेगा और ये रोग भी गया लेगा इसके दांत ना बचेंगे जी शॉक भी लगेगा तेरी शॉक जी शॉक तो लगेगा और ये रोक भी गया लेगा इसके दांत ना बचेंगे तो ये भौंक भी गया लेगा फिर भी ज्यादा मुंह फाड़ेगा तो ये चोक भी करे जब भी ज्यादा मुंह फाड़ेगा ये तो भाई उस पे गलेगा इसके दांत ना बचेंगे तो ये भौंक भी गया लेगा फिर भी ज्यादा मुंह फाड़ेगा तो ये चोक भी करेगा होगा। भाई मुझे रफ्तार के एक बार भी समझ आते हैं रफ्तार इंटरव्यू वगैरह में बोलते हैं कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा मुझे बेमतलब के ऐसे लोग डिस करते हैं ये है वो है। भाई जब सब कुछ शांत हो जाता है ना रफ्तार भाई तब डिस करते हैं भाई। अब जिस डिस के बाद अगर एमबीबी रफ्तार एमबीबी या मुंह फाड़ कर डिस आया तो भाई ये मत कहना कि भाई मैंने कुछ नहीं करा ठीक है ना क्योंकि आप फिर ना मतलब ठंडे हुए मैटर को भाई आप आग लगाते हो फिर बाद में कहते हो कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया। कोकीला जमा जब ये नोकीला लेगा मुंडा बहुत डीला रहेगा जब तक कुक नहीं करेगा इसको कमी नहीं है ये तो मेरा डोप डीलर रहेगा और मैं अभी दूंगा पैसे तो ये अभी आके देगा। अब ये मत कहना कि ये मुंह फाड़ वर्ड राइमिंग के साथ फिट हो रहा था इसलिए मैंने बोला भाई को पता है कहाँ पे क्या करना है। अरे बाप पे तो खबर इसके जात की भी लेगा मार खत्म तेरी चाल खत्म शेख चिली तेरी डाल खत्म। देखा भाई शेख चिली मुंह फाड़ भाई पता है भाई ने डायरेक्ट बोल रहे हैं ब्रो मैंने कहा ना आप एमबीपी का डिस आ रहा है भाई बिल्कुल धीरे धीरे तेरा आटा दाल खत्म साल खत्म तेरा काल खत्म बात खत्म आटा दाल खत्म साल खत्म बात खत्म धीरे धीरे तेरा आटा दाल खत्म साल खत्म तेरा काल खत्म बात खत्म मुंबई से छीन लूंगा रोजी में इस धरती से चक दूंगा फौजी में तेरी बंदी की सीमा पे फौजी में एक रिजले में फूक दूंगा ओजी में ओजी मेरा बेटा तो मैं पॉप जी मेरा ओजी मेरा बेटा तो मैं पॉप एक सर बन जा तब भी टॉप जी देखो शेर का खिलौना बना कॉर्की बंदा नकली घड़ी पे तेरी शॉक जी। सबको पता ओजी मेरा बेटा तो मैं पॉप जी
मेरा एक अभी मैंने एमबीबी का वो इंटरव्यू सुना था जो भाई कुड़ी के लिए, तो भाई एमबीबी ने कहा था कि भाई बढ़िया कर रहे हैं, है ना, अच्छा लग रहा है कि सीन के लिए सबको ठीक हुआ। ठीक है ब्रो यार, जब बातें खत्म होने लगती हैं तो ऐसी चीजें मत किया करो ब्रो। पता नहीं ये गाना कितना पुराना है और ये शायद बजाओ मूवी के लिए इन्होंने स्पेशल ऐसा गाना लिखा है कि इसकी हाइप हो सके गाने की, पर मुझे नहीं पता। पर ये मूफाड़ और है ना और शेख चिली वाली बातें ना भी करते तो भाई गाना बहुत लेटरी है, गाना बहुत ही अच्छा है ब्रो, सीरियसली गाना बहुत अच्छा है। जैसे भाई का फ्लो चल रहा है, जैसे बीट चल रही है, बहुत अच्छा गाना है। ये चीज़ों की जरूरत नहीं है ब्रो आपको, सीरियसली कह रहा हूँ। अगर आप मेरा रिएक्शन देख रहे हो ना तो आपको ये चीज़ों की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बेस्ट हो ब्रो। हर बंदा अपना बेस्ट कर रहा है ब्रो। सर पंजाब टॉप जी, देखो शेर का खिलौना बना कॉर्की, बंदा नकली घड़ी भी तेरी शॉप जी। सो भाई ये गाना था पॉप जी बजाओ, वो वेब सीरीज है और अवतार का गाना है। और गाने की बात करूँ तो गाना मुझे बहुत ही खतरनाक लगा, बहुत ही जहर लगा। ठीक है ना, ठीक है भाई ने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्या पता भाई के जो दिल में वो बातें हैं वो कभी जाती नहीं है जब कोई किसी के बारे में बुरा बोलता है, जटिस वगैरह जो भी होती है ना, तो शायद होगा इस चीज़ का। बट गाने की बात करूँ तो गाना मुझे बहुत बढ़िया लगा और अवतार आर्टिस्ट मुझे एज ए आर्टिस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे गाने बनाते हैं जो जोश आ जाता है, बंदे को कुछ करने का मन करता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया गाने दिए भाई ने इंडस्ट्री के लिए। सो ठीक है, सो ये चीज़ें करते भाई अच्छे लगते नहीं है, चलो कोई बात नहीं। खैर गाने की बात करूँ तो गाना अच्छा था, म्यूजिक अच्छी थी, वीडियो होती इसकी तो और तगड़ी बात होती, शायद वेब सीरीज में वीडियो हो सकती है। सो अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगे और आप इस बात से एग्री करते हो कि भाई को इन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं, भाई वैसे ही बेस्ट है, भाई वैसे ही कहते हैं ना खत्म कर देते चीज़ें, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना और रिएक्शन कैसा लगा ये बता देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वॉचिंग नॉन स्टॉप रिएक्शन भाई।